हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्वीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जो जलसा हुआ था उसके अंदर रात को शायद होने से पहले 12 बजने से पहले या फिर 12 बजे करेक्ट, तो वहाँ पर कुछ नेशनल एंथम का हुआ था, वो मोमेंट वाले वीडियो को मैं देखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तकबाल करते हुए गाएंगे। किधर है 14 अगस्त? 12 बजे से पहले अबरार उल हक भी हैं पीछे, ये सलमान उपरा देख चुका हूँ। पाक सरजमीन शाद बाद, ईश्वर हसीन शाद बाद, निशाने अजमे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते क़ुव्वते अवाम, सल्तनत बाइंदा ताबिंदा बाद, शाद बाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने बाजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल साया खुदाए जुल। पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा है चेयरमैन इमरान खान के साथ। पाकिस्तान जमीन शाद, ईश्वर हसीन शाद, कब से इतनी ज़्यादा पब्लिक मुझे नहीं लगता कभी पहले हुआ होगा ऐसा, या कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में ऐसा हुआ होगा। 14 अगस्त को लोग इकट्ठा हुए होंगे, नेशनल एंथम वहाँ पर पढ़ा गया होगा और गाया गया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जलसा था, यहाँ पब्लिक बहुत थी, यहाँ इमरान खान मौजूद थे, उन सब लोगों ने वहाँ पर ये मूवमेंट क्रिएट किया, एक मैजिकल मूवमेंट, जहाँ पर वहाँ 14 अगस्त से की डेट थोड़ी सी चेंज होने से पहले वहाँ पर ये तराना गाया गया, कौमी तराना, पाकिस्तान का नेशनल एंथम, एंड बखूबी पब्लिक ने इसमें मतलब इतना हिस्सा लिया हुआ था कि ये भी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा जो है जलसे में इतनी ज़्यादा पब्लिक के सामने ऐसा नहीं हुआ होगा 14 अगस्त के मौके पर इमरान खान ने किया है। सो बढ़िया था, सारी पब्लिक एक साथ वहाँ का तराना गा रही थी। पहले सुन तो चुका हूँ मैं वो म्यूज़िक के साथ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था टिपिकल उर्दू, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और समझ में आया, पहले से ज़्यादा समझ में आया, लेकिन पूरा अभी भी नहीं आया है क्योंकि इसमें वर्डिंग जो है बहुत उर्दू शायद
टिपिकल वाली है। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लगा ये वीडियो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।